गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सपना सिंह और आप फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा जो कमल है खिल चुका है और एक देखिए ये अभी खिल गया था, स्पेंट हो चुका है। तो देखिए घर में मैंने कमल भी उगा लिया है और इधर दिखाती हूँ, देखिए अगर देख सकते हैं तो देखिए दो दो बड्स, एक सेकेंड दिखाती हूँ, देखिए तो देखिए आपको दिख रहे होंगे दो दो बर्ड्स हुए हैं, ये भी कुछ दिनों में खिल जाएंगे। तो डेली डेली हमेशा हमेशा बर्ड्स आ रहे हैं और खिलते जा रहे हैं कमल। तो इस पर बहुत जल्द मेरा एक वीडियो आएगा, तो आप अगर आप उसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो या उसके बारे में कुछ अपडेट चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसके बारे में डिटेल से आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो देखिए कितने सारे फूल हैं और इसमें थोड़े से राइस हस्क चले गए हैं, मैं सॉइल उधर तैयार कर रही थी तो राइस हस्क चला गया है, तो मैं पानी भर दूंगी और वो सब निकाल लूंगी। तो चलिए आज मैं गर्मियों में मैंने कौन कौन से प्लांट खरीदे हैं और मेरी जो नर्सरी विजिट हुई है उसके बारे में ही आज की मेरी वीडियो होगी। तो चलिए आपको वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ढेर सारे प्लांट्स ले लिए, नर्सरी विजिट भी हो गया। तो देखिए तो मैंने इसको गाड़ी में छोड़ दिया था, कल मॉर्निंग में लेकर आई और फिर हम कहीं निकल गए और ये प्लांट गाड़ी में ही रह गया। तो आप देख सकते हो पानी नहीं होने की वजह से देखिए पूरे सूख गए। तो अभी मैं वीडियो बनाने के बाद सारे में सारा का सारा पानी डाल दूंगी सब में। तो चलिए मैंने क्या क्या लिया और क्या कॉस्ट है आपको मैं बताती हूँ। तो ये मैंने 3 लिली के प्लांट लिए हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत फूल हैं और कुछ खिल गए हैं कुछ मुरझा गए हैं, अभी गर्मियों में ये खिलते रहेंगे। तो 3 मैंने लिली के प्लांट लिए हैं जो कि मुझे 80-80 के पड़े हैं, देख सकते हैं। तो गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, ढेर सारे फूल होते हैं और बल्ब वाले प्लांट हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इधर देखिए मैंने कोचिया लिया है, मॉस रोज लिया है और जीनिया के प्लांट देखिए लिए हैं और कोशमोस लिए हैं और कुछ मैंने सब्जियों के प्लांट लिए हैं, देखिए खीरा वगैरह के जो कि देखिए पूरे मुरझा गए, अभी पानी डालूंगी तो सब ठीक हो जाएंगे और जस्ट अभी इनको मैं लगा भी दूंगी। तो ये सारे मैंने सीजनेबल लिए हैं, गर्मियों के सारे सीजनेबल। और कुछ देखिए यहाँ पे मैंने पपीता लिया है, सब के सब मुरझा गए पानी की नहीं वजह से और छोटे छोटे देखिए इतने छोटे छोटे पॉलीबैग में सब हैं इसलिए। तो अभी मैं इनको, अभी तो धूप हो गया, शाम में मैं 4 बजे सबको लगा दूंगी। तो ये सारे जितने भी सीजनेबल फूल देख रहे हो आप मुझे सब 10 रुपये के पड़े, सीजनेबल 10 के ही पड़ते हैं और ये जो पपीता आप देख रहे हो ये मुझे 40 के पड़े हैं। उसके बाद ये लिया, तो मैं गाड़ी से गई थी, हमेशा स्कूटी से जाती हूँ तो वर्मी कंपोस्ट नहीं ले पाते हैं, तो इस बार मैं गाड़ी से गई थी तो मैंने सोचा अभी मुझे ज़रूरत नहीं था क्योंकि मैं अभी जस्ट बहुत सारे कंपोस्ट खरीद के लाई थी, आपके साथ शेयर भी किया था, फिर भी मैंने 2 बोरी वर्मी कंपोस्ट के लिए लिए। पहले 125 या समथिंग में मिलते थे, अभी इस बार उन्होंने 150 रुपये दिए हैं, उन्होंने कहा अभी स्टॉक हमारा नहीं आया है, पता नहीं क्या था उन्होंने इस बार महंगा दिया, मैंने गाड़ी में रखवा लिया था तो फिर उन्होंने बोला तो मैंने ले लिया। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए राखी बेल मैंने लिया, देखिए इसमें बर्ड्स भी आ गए हैं, पिछले बार भी मेरे पास था लेकिन गिलहरी कुतर कुतर के हर बार बर्बाद कर रही है, फिर लेके आई हूँ, इस बार मुझे ये 50 के पड़े। तो मेरी यही एक छोटी सी शॉपिंग थी जो आपके साथ मैंने शेयर करी है। तो किसी भी रीजन से मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थैंक यू।